नमस्कार, दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश में लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से क्या चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है? क्योंकि इस चुनावी जंग में कांग्रेस के नेता और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हमले होते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बालाकोट में 300 आतंकी मारे हैं तो सबूत दीजिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव रामगोपाल यादव ने पुलवामा आतंकी हमले को साजिश करार देते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए जवानों को मार दिया गया। इसीलिए दोपहर का दंगल में आज हम पूछ रहे हैं सवाल, पुलवामा हमले पर क्यों हो रही है सियासत? क्या वोट की खातिर देश की सुरक्षा पर राजनीति हो रही है? और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए, बहस में शामिल होने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। उमाकांत लखेड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर अमीन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आज सवाल आपसे ही बनता है जफर अमीन साहब कि क्या राजनीति करने के लिए और कुछ बचा नहीं है? नहीं, हम लोगों ने अभी तक कोई राजनीति नहीं किया, सरकार के साथ खड़े रहे और पूरी तरह सरकार को हर तरह सपोर्ट करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन ये सौभाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जवान शहीद होते चले आए हैं, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, उरी का हमला हो, चाहे वो पुलवामा की घटना हो, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से जवान शहीद होते हैं। गुजरात का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ आज तक तीनों घटनाओं में। तो जब शहीद नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी इसीलिए शूटिंग करते हैं, और अमित शाह जैसे लोग जो गुजरात के रहने वाले हैं वो रात के 8 बजे तक पुलवामा की घटना के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तो हमारा ये कहना है कि दर्द हम लोगों को बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक सवाल है इस बात का तो हम एक बात कहना चाहेंगे, हम कोई बहस इस मुद्दे पे नहीं करना चाहते इस तरह का जो राजनीतिक, जिससे कि किसी तरह का कोई लाभ किसी को मिले या कोई लाभ उठाना चाहता है। एक मिनट का वक्त हम दोपहर का दंगल में शुरुआत में अपने मेहमानों को देते हैं। आपको एक मिनट का वक्त दिया था, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मुझे लगा था कि आप बहुत सलीके से अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव को डिफेंड करेंगे, लेकिन आप जवानों को राज्यों में बांटने लग गए। मुझे शर्म आ रही है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं स्टूडियो में। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं इससे पहले नवीन कुमार के पास जाऊं, नवीन कुमार जी जरूर जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन उमाकांत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या राज्यों में जात धर्म में बांट देंगे? एक तो पहले एक बात, आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं उस पर विवाद होता है, और हमने आपको बुलाया कि आप उस पर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, अपने नेता को आप डिफेंड कीजिए, लेकिन उसके बाद क्या जफर अमीन एक और विवादित बयान नहीं दे रहे यहाँ बैठकर? देखिए, सारा देश को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी पार्टियों को पता है कि इस समय देश चुनाव के दौर में है, और ऐसे मुद्दे जिससे बुनियादी जो सवाल है, बुनियादी जनता के जो सवाल हैं उससे ध्यान बढ़ता हो, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने पहले ही डायरेक्शंस दे दिए हैं। वो डायरेक्शन कांग्रेस के नेताओं पर, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सारे नेताओं पर लागू होती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन के टाइम पर ऐसे अनावश्यक विवाद जिनसे कुछ हल नहीं होता, जिससे इस देश की जनता की तकदीर का कोई फैसला नहीं होने वाला, लेकिन उससे अनावश्यक विवाद, आरोप प्रत्यारोप और बुनियादी जो सवाल जिन पर चुनाव होना चाहिए उससे ध्यान बटाने की कोशिश है, मैं ये मानता हूँ। और ये ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, पुलवामा की घटना का जो सवाल है, पित्रोदा साहब का जो मुद्दा उन्होंने उठा दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन पुलवामा की घटना हुई उस दिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन फेलियर है। सर, आपका भी खत्म हो गया, आपके पास दोबारा वापस मैं आऊंगा, क्योंकि जब डिबेट हम ओपन करते हैं तो सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन शुरुआत में एक मिनट का वक्त। नवीन कुमार जी, अगर हमारे जवान शौर्य दिखाते हैं तो उस पर सियासत होगा इस देश में? अगर हमारे जवान आतंकियों को मारकर आते हैं तो क्या सबूत लेकर आएंगे? क्या यह सवाल आप लोगों से पूछना गलत है? और अगर कोई यह सवाल पूछता है तो आप उसको पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला बता देंगे? सबूत मांगना ही गलत है, सेना से सबूत मांगना आतंकवादियों का कि कितने मारे गए, कांग्रेस ने मुआवजा देना है, पहले वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये पाकिस्तान ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, इन्होंने जान पूछ करके, ये पूरी साजिश है। आज पाकिस्तान का नेशनल डे बनाने के लिए इन्होंने इसी सोची समझी साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बयान दिया। पाकिस्तान वहां पे इस बात को लेकर के वहां पे आतिशबाजी कर रहा है और ये लोग जो है हमारे देश को अपमानित कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी के गुरु हैं। ये वो लोग हैं जो जिसके सोनिया गांधी जिनकी इशारे के बिना कहीं कदम नहीं रखती, सैम पित्रोदा, और पाकिस्तान ओवरसीज के इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो। और यही स्थिति है कि पूरे देश के अंदर सैनिकों को अपमानित कर रहे हैं, सैनिकों से सबूत मांग रहे हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। और यही रामगोपाल यादव जी ने क्या, समाजवादी पार्टी ने, वो अखिलेश यादव के गुरु हैं। अखिलेश यादव उनके कहे बिना इधर से उधर नहीं चलते और अभी वो जाति में बांट रहे थे, अब राज्यों में बांटने लग गए और उसके बाद कहते हैं राजनीति मत करिए। मिनट का वक्त खत्म हो गया आपका, अब दोबारा आपके पास आऊंगा तो आपसे मैं पूछूंगा सवाल और जवाब आप दीजिएगा कि आप भले ही आज कोस लीजिए रामगोपाल यादव को, उनके बयान पर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक सवाल उन्होंने जो उठाया है उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। नवीन कुमार जी, मैं उसका जवाब लूंगा आपसे। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट का वक्त अभी आपका खत्म हुआ है, अभी बैठिए आप स्टूडियो में, आप आज आए हैं, आज आपसे तमाम सवालों का जवाब लूंगा, उसके बाद जाने दूंगा मैं आपको यहां से। टीपी त्यागी साहब, अगर अलग अलग नेता देश के एक मुद्दे जो देश की सुरक्षा का मुद्दा हो उस पर अलग अलग बात रखता है और देश का एक नेता यह भी कहता है क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं तो मुझे अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे अधिकार है कि मैं बहस करूं, मुझे अधिकार है कि मैं आपसे सबूत मांगूं, आपको लगता है यह गलत है? यह गलत है, यह फौज के बारे में बिल्कुल गलत है सर। बात यह है कि रामगोपाल यादव और सैम पित्रोदा, क्या इनमें से किसी को भी कख भी आइडिया है कि एक एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड में, स्पीड में, लोड में क्या कनेक्शन रहता है? और ये कहते हैं कि साहब एयरलिफ्ट नहीं दिया गया, हर बटालियन 4-5 साल के बाद कभी प्लेन से डेजर्ट में जाती है, डेजर्ट से हिल्स में जाती है, तो हर बटालियन मांगती है कि मुझे एयरलिफ्ट दी जाए। क्या दी जाती है? या 47 से लेकर आज तक दी गई? अगर कोई ऑपरेशनल नेसेसिटी हो तो बात दूसरी है। ये जो लिफ्ट है ये स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल लेवल की होती है और ये लिफ्ट स्ट्रेटेजिक लेवल की थी क्योंकि 2005 में तो हमारे पास जो IL-76 और जो C-17 अवेलेबल है उनकी एक जहाज की कैपेसिटी 180 के करीब है। अब बताइए कि 2500 के लिए कितने जहाज लगते, और हिंदुस्तान के अंदर और भी काम है। तो एक मिनट का वक्त खत्म, टिपिन त्यागी साहब, और इनको नहीं सर, एक मिनट का वक्त खत्म हो गया, अब मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं, अब आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं और बोल भी सकते हैं। नवीन कुमार, मुझे पता है कि आप बहुत देर से परेशान है कि आप जवाब दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बात कह दी है उसका जवाब आप जरूर देना चाहते होंगे, लेकिन एक सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और न्यूज नेशन के जरिए आप बताइए पूरे देश को कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई क्यों सुरक्षा में? जो जवान जिस बस में हमारे सवार होकर जा रहे थे, क्या उसकी सुरक्षा में चूक नहीं हुई? अगर चूक नहीं हुई तो देश को बताइए, और हुई तो कैसे हुई यह भी देश को बताइए। नवीन कुमार, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दर्द मेरे सीने में तो दर्द हो रहा है और देश के हर देशवासी को दर्द हो रहा होगा जो इस देश से थोड़ा तनिक भी प्यार करता होगा। बेशक समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव या कांग्रेस को नहीं होता हो वो अलग बात है। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कि चूंकि मेरे जवान 100 बार इंफॉर्मेशन, उसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के तहत आतंकवादियों का सफाया करते हैं, पिछले 24 घंटे में 8 आतंकवादियों को उन्हीं जवानों ने मार गिराया है। एक बार अगर कोई आतंकवादी कामयाब हो जाए तो इसका मतलब मेरे सैनिकों पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं आपके सैनिकों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। नवीन कुमार जी, आप इधर उधर मत ले जाइए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं। लड़ाई लड़ती है सेना लड़ती है, इंफॉर्मेशन के अंदर मत ले जाइए। इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, वो भी मेरे सैनिक है। मेरे देश का प्रधानमंत्री, देश का कोई भी नेता खुद खड़ा होकर के बंदूक लेकर के सीमा पर नहीं गया होता। देश के जवान ठीक उस सेना के लिए काम करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। जब आप बात करते हैं तो देश के जवानों से बात करते हैं। अगर मुझे बताइए, अगर आप स्पष्ट बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो इंदिरा गांधी को सबासी है, और अगर पाकिस्तान के अंदर घुस करके सेना के कंधे पर बंदूक रखकर दूसरी पार्टी पर मत चलाइए को मार गिराया, आप कहते हो कि नहीं वो सेना ने मार गिराया। दोनों पॉलिटिकल व्यूपॉइंट की बात करेंगे तो 26 ग्यारह की बात क्यों नहीं करेंगे जिसमें 186 लोग मेरे मारे गए
और उन जवानों के बाद जाकर के पाकिस्तान ने कबूतर नहीं मारा, ये वही लोग हैं। आज सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गलत किया? मैं पूछ रहा हूँ चूक हुई या नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ मेरे सैनिकों से, पूछ रहा हूँ आपसे चूक हुई या नहीं हुई सैनिकों से? अगर मेरी सुरक्षा के अंदर मेरे उन जवानों से चूक हुई तो उसका बदला लिया तो आप बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए ना। फिर तो राम गोपाल यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं, फिर उस पर आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति के कारण मरवा दिया, क्या हमने मरवा दिया, क्या सरकार ने मरवा दिया, क्या ये सही बोल रहे हैं? जफर अमीन सिपाही कर रहे हैं, जफर अमीन बोलिए। उन्होंने राम गोपाल यादव ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि एक राजनीति के कारण आपने 44 लोगों की शहादत दे दी, लोगों को मरवा डाला। जफर अमीन साहब बताइए, देखिए अगर एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, विद्यानाथ जी अगर एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में जिसकी लापरवाही होती है तुरंत जांच होती है, वो जेल जाता है, सस्पेंड होता है, नौकरी से निकाला जाता है, और इतनी बड़ी घटना की भारतीय जनता पार्टी ने जांच नहीं कराई। दूसरी बात, इन्हीं के राज्यमंत्री जो है हंसराज अहिर, लोकसभा में उन्होंने कहा कि 176% इजाफा हुआ आतंकवादी घटना में जम्मू कश्मीर के अंदर, 176% इजाफा हुआ, दुर्घटना इन्होंने रिपोर्ट दिया है हंसराज अहिर जी ने। उस पर क्या कहेंगे ना, क्या बात करते हैं आप? बताएं थोड़ा सा तो तनिक बढ़ते से प्यार। आप वोट मांग रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहा है, साक्षी महाराज यात्रा में हंस रहे हैं, वाहन में खड़े होके आ रहे हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जो है प्रयागराज में डांस कर रहा है और 40 जवान शहीद हो रहे हैं। दुर्घटना क्या कहना चाहते हैं? ये सुनियोजित आतंकवादी जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आईएसआई ने रचा एक ट्रेन एक्सीडेंट में अगर 4 लोग भी मर जाते हैं तो उसकी जांच होती है, और इतनी बड़ी घटना की जांच आपने नहीं कराया? लोगों के मरने के बाद कबूतर नहीं मारा और बार बार 3 महीने से सबूत देने की बात करते रहे। एक मिनट, आप अपनी बात रखिए, जवान थे वही सेना थी, आप जरा उनको भी सुनिए और उनसे मैं, अरे भाई आप, अरे भाई 176% का इजाफा हुआ है 2014 से। जफर अमीन, जफर एक सेकंड, जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब लोकसभा एक सेकंड, सवाल सुनिए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जब राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि साजिश के तहत वोट के लिए हमारे जवानों को मरवा दिया गया, तो समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है और क्या कहना चाहती है, आज स्पष्ट कीजिए आप और बोलिए दोपहर का दंगल में कि इसका मतलब क्या है, वो भी पाकिस्तान के नेशनल डे पर। देखिए देखिए इनको जांच कराना चाहिए था, एक ट्रेन एक्सीडेंट में 4 फिर वो एक्सीडेंट, ये दुर्घटना नहीं है, फिर आप चैनल पे खड़े होकर के बोले दुर्घटना, अरे कुछ तो शर्म करो, अब तो सोचो कि दुर्घटना नहीं, ये आतंकवादी वारदात थी और इस आतंकवादी वारदात को पाकिस्तान ने रचा। पूछ रहा है जफर अमीन, आप ट्रेन दुर्घटना को लेकर जो बयान आपके नेता ने दिया उस पर जवाब देने के लिए आए हैं, क्यों नहीं कराया लापरवाही की, या जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उस पर जवाब देने के लिए आप आए? जफर अमीन मैं पूछ रहा हूं कि हमारे जवान शहीद हुए, क्या आपको वो ट्रेन दुर्घटना लग रही है? क्या कार्रवाई किया इन्होंने? दुर्घटना लग रही है पाकिस्तान में, आपके रिश्तेदारों को मार के आए हैं जो आतंक फैला रहे हैं, समझे? क्या कार्रवाई की? नहीं समझ में आया आपको? राम सर्जिकल स्ट्राइक की थी पहले उरी के बाद, और इस बार पाकिस्तान में मारा, सवाल को क्यों मारा जम्मू कश्मीर में नहीं? जो शहीद हुए उनके परिजन का सवाल है, ये परिजन का सवाल है, देश को ये लोग, मैं देखिए मेरा मेरा दर्द इस बात का है, जो आपसे सवाल पूछ देते हैं वो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हो जाते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं कि देश की मिट्टी से आप भी चूमते हैं, नहीं इस देश की मिट्टी से और लोग भी चूमते होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान के नेशनल डे पर कांग्रेस का ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी वारदात जो हुई है वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी वारदात को कोई लेना देना नहीं है, पूरे पाकिस्तान को गुनाहगार नहीं समझना चाहिए, और समाजवादी पार्टी का ये कहना कि अपने आप साजिश कराइए, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं, बहुत घातक है। इस मिट्टी को अगर कोई सवाल पूछता है तो इसका मतलब यह है कि वो प्यार नहीं करता इस मिट्टी से, और सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? सवाल पूछेंगे तो सेना पे जमान उठाएंगे, बोलिए टीपी जी, बोलेंगे ठीक बात, पाकिस्तान के समर्थन में बोलेंगे, नहीं लेकिन सवाल पूछना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या सवाल है कि ये जो घटना हुई है ये साजिश के अंतर्गत हुई है, इसमें अपने जवानों को मरवाया गया है,
क्या इससे ये संदेश नहीं निकलता कि ये घटना यानी कि हमने खुद करवाई है, हमने खुद अपने जवानों को मरवाया है। अरे भाई जरा सोच लो, एक बात ये सोच लो कि सिपाही भी आपको देख रहा है, उसके हाथ में भी मोबाइल है, वो आपके इन भाषणों को सुन रहा है, न केवल पूरा देश बल्कि वो सिपाही भी आपसे आने के बाद ये सवाल पूछेगा कि इसीलिए हम तुम्हारी रक्षा करते हैं कि तुम ये कहो कि हमने अपने सिपाहियों को खुद मरवाया है। ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो इसमें क्या ये देश की जनता नहीं समझ रही है कि चुनाव आने वाले हैं, वोट करने के लिए लोगों को जाना है, तमाम पार्टियां सियासत में लगी हुई हैं, इसलिए जिसके मुंह में जो आता है बोलता है, जिसको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ये समझ तक नहीं है, वो भी अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ जाता है और कह देता है। देखिए जो पुलवामा की घटना हुई तो पुलवामा की घटना पर सारे राजनीतिक पार्टियों ने बहुत संयम ढंग से बयान दिए और सारी पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया और अपोजिशन पार्टीज ने भी बोला कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ और देश की सरकार के साथ हैं, तो ये एक ऐसा माहौल था कि पूरा देश एकजुट है। लेकिन वो सारी घटनाएं चूंकि चुनाव के टाइम पर हुई तो पूरा राजनीतिकीकरण पूरी चीजों का हो रहा है, वोट पॉलिटिक्स के लिए। मकान जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दो दिन तक शहादत पर रोए, सरकार के साथ खड़े हुए और उसके बाद सवाल उठा दिया। हमने बालाकोट के दोनों बातें बहुत अलग अलग है। तब तक कांग्रेस मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज ये साफ करके आप जाएं इस डिबेट से, हमारे इस कार्यक्रम से, कि आपके वरिष्ठ नेता, आपके महासचिव जो बोल रहे थे, जिसे साजिश कह रहे थे, जिसे जवानों की हत्या बता रहे थे, उसका मतलब क्या है आप बताइए, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा अपने कार्यक्रम से। बोलिए इसका मतलब क्या है। जवाब ही नहीं दे सकते। देखिए हम तो बार बार कहेंगे कि जब दुर्घटनाओं की जांच इतनी तेज होती है तो नहीं है, देखिए बड़ी आपत्ति क्यों नहीं कराया, दुर्घटना नहीं है, पाकिस्तान की साजिश को फिर आप सवाल हमारा नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं भैया, शहीद जो राम गोपाल यादव बोल रहे हैं, यादव बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है वही आप बोल रहे हैं, ये सवाल ये दुर्घटना है क्या, परिजन पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये सवाल देखिए सवाल शहीदों के परिजन पूछ रहे हैं। अरे ये दुर्घटना है, ये साजिश जो सवाल पूछा है। वालिया जी ने क्या कहा, जफर अमीन साहब मैं पूछ रहा हूँ, आपके नेता ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है, आप इधर उधर हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। आप कुछ कहना चाहते हैं सर, 20 सेकंड में। मैं कह रहा हूं कि ये बात कह रहा हूं कि देखिए ट्रेन के दुर्घटना मीडिया का काम है और अपोजिशन पार्टी जो जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी का काम है सरकार से सवाल पूछना, और क्योंकि ये जो सरकार आई थी, सरकार ने 5 साल पहले कहा था कि कांग्रेस की जो ढुलमुल सरकार चल रही थी उसका बदला लेने के लिए हम लोग ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में कार्रवाई करेंगे। सवाल 5 साल ये होना चाहिए, सवाल देखिए घटना कैसे घट गई, राज्यपाल ने बोला, राज्यपाल ने पाकिस्तान का समर्थन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बोला है कि मदद कर रहा सवाल की आड़ में देश को अपमानित कर रहा। नवीन जी वक्त आज इतना ही है, उमाकांत जी वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ दोपहर का दंगल में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़।